10 मीटर भी बिना हेलमेट के मत निकलना, नहीं तो चलान देना पड़ेगा। से कितना सही दिख रहा था अपना महल बना रहे हैं यहाँ पे, ये जिंदगी बड़ी हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो बता चुका हूँ कि मैं गोवा में हूँ और ये मेरा गोवा में पहला दिन है। और पहले दिन ना गोवा में इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए मतलब समझ नहीं आता कि क्या देखें। और जब आदमी कंफ्यूज आता है ना तो हमेशा बेसिक चीज़ पर आता है। बेसिक क्या है? चपोरा फोर्ट, दिल चाहता है वाला फोर्ट। तो मैंने सोचा पहले यहीं चल देते हैं। ये देखो, मैंने सोचा बोल के बताऊंगा नहीं, जब पहुंचूंगा तो दिखा दूंगा। भाई सही में ना इस टाइम पे शाम हो रखी है, बिल्कुल बड़ा सही मौसम हो रखा है। अभी थोड़ी देर पहले धूप बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं निकला नहीं, पर अभी बहुत अच्छा मौसम है। और यहाँ से ये देखो, आगे जाके प्रॉपर दिखाता हूँ, भीड़ आ रखी है अच्छी खासी। आगे जाता हूँ फिर प्रॉपर दिखाता हूँ। ये देखो यार क्या व्यू है, सामने बीच है, सैसे वैगेट और बीच है, पता नहीं कौन सा बीच है, मैं अभी जाके देखूँगा। वहाँ पैरासेलिंग चल रही है। ये देखो धूप के चक्कर में, धूप की सिक्योरिटी थोड़ी सी अपने पास भी है। बहुत तगड़ी धूप हो रखी है यार अभी इतनी। अब जाके थोड़ा मौसम सही हुआ है, धूप वूप थोड़ी मतलब कम हुई है पर अभी भी है। पर एक बात है भाई, ये देखो पहाड़ पे बना हुआ है, नीचे का अच्छा व्यू आ रहा है और पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं और बीच देख लो सामने। ये देखो ये वही जगह है जहाँ पे उन तीनों ने फ़ोटो खिंचवाई थी दिल चाहता हमें। और देख लो 407 साल पुराना फोर्ट है और अभी तक डैमेज नहीं है। तो यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अब हो गया जितना देखना था। और यहाँ पे अब भीड़ भी बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि सनसेट होने वाला है, हो ही रहा है ऑलमोस्ट। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए भी लोग नहीं आ रहे थे, पर अब आ गया, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया। अब ज़्यादा क्राउडेड ना अच्छा नहीं लगता कोई भी एरिया हो, क्योंकि यार सुकून आता है, तुम कम लोग हो तब मज़ा है। तो अब यहाँ से देखते हैं कहाँ चलना है, पहले गेट की तरफ निकलते हैं। और इसकी मैं टाइमिंग बता देता हूँ आपको, 10 से 5 खुलता है ये, तो एसी अकॉर्डिंग आना, नहीं तो फिर ये वापस कर देंगे। ये देखो इसका वापस जाने का रास्ता, सही सीढ़ियाँ हैं, कोई ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है इतनी। वहाँ से सब नीचे उतरते हैं, फिर बीच बीच पे जाते हैं ना कहीं। तो भाई स्कूटी पे पहुंच गया, अब स्कूटी उठाते हैं। पर दिक्कत पता है क्या, इसके पीछे स्कूटी लगा रखी है किसी ने। ये छोटी छोटी दिक्कतें मेरे को बहुत परेशान करती हैं, हटा के निकालनी पड़ेगी क्योंकि अपनी नेक्स्ट लोकेशन में जाना भी ज़रूरी है। तो हम वैगेटॉर पहुँच गए, सोचो हमने इसको वहाँ ऊपर से देखा था, ऊपर चोटी से कितना सही दिख रहा था, अब भी सही दिख रहा है। काली रहता है यहाँ पे, थाईलैंड जैसे तो नहीं मिलेगा ना भाई, हर जगह थाईलैंड जैसी नहीं होती। पर माहौल अच्छा है यार, ज़्यादा भीड़ नहीं है, फैमिली वैमिली का क्राउड है, थोड़ी देर यहीं आराम करते हैं। ये देखो सही वो है यार, थोड़े पैर गीले कर लेते हैं ना बीच में पानी में। ये देखो अब वो परफेक्ट टाइम है जब तुम सूरज की आंखों में देख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया हो गया। ये देखो अब नज़ारा आ रहा है भाई, अब इसकी आंखों में देख सकता हूँ मैं और ये मेरी आंखें बंद नहीं करा सकता। ये देख कुछ भी कहो, बीच पे ना सनसेट देखने का ना अपना एक अलग ही मज़ा है। और ये मैं बहुत दिनों से देख पा रहा हूँ, मेरी खुश नसीबी है, आज भी देखूँगा। ये देखो ये बच्चा अपना महल बना रहे हैं यहाँ पे, ये ज़िंदगी बढ़िया होती है भाई, मिट्टी उखाड़ो और मिट्टी कहीं भी लगा दो। देख रहे हो क्या एंजॉय कर रहे हैं, हम सुकून में रह गए, वो बच्चा खेल रहा है। यार बीच में बैठे बैठे पता ही नहीं चला, एकदम से रात बात हो गई है, मतलब बेहोश हो गया था मैं तो, इतना मज़ा आ रहा था। अब निकलते हैं यहाँ से, पहले तो यार भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। ये खड़ी अपनी स्कूटी यार, पर इसमें ना एक दिक्कत है, इस पर कैमरा पकड़ने फ़ोन पकड़ने का कुछ नहीं है, तो ना मैप देखने में बड़ी दिक्कत होती है, बार बार रुक के फ़ोन निकालना पड़ता है जेब से। तो अब तो भाई यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग कर ली है, भैया की दुकान से शॉपिंग कर ली हमने, काली पन्ने में दे दिया, दिल्ली में से मीट देते हैं। तो यार हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया था अपने हॉस्टल के पास ही है, बिल्कुल चार रास्ता बोलते हैं इस जगह को, तो चिकन थाली ऑर्डर कर दिया, देखते हैं कैसे आती है, 150 रुपये की चिकन थाली है, इतना तो मिलेगा ही भाई, अगर तुम टूरिस्ट प्लेस पे आ रहे हो ना तो खाने वाने का तो इतना ही मिलेगा। बाकी ये देख लो ऊपर आके है जगह, खाली पड़ा है पर यार। तो मैं आज इनकी भौनी करा देता हूँ शाम की,
तो भाई आ गई अपनी चिकन थाली, चने भी है साथ में, छोले सही क्वांटिटी है। तो खाना वाना खा के नीचे आ गया हूँ भाई। खाना 150 रुपये में वर्थ था, पूरा पेट भर गया क्योंकि बहुत देर भूख लग रही थी। तो 150 रुपये में ठीक है भाई चिकन थाली, यहाँ पे मेरा थम्स अप है इस चीज़ का। यार मैंने अभी मतलब अपने रूम के साइड में 100 मीटर मतलब कुछ सामान लेने गया था कल के लिए, शैम्पू वगैरह, तो 100 मीटर भी नहीं जाऊँगा मैं, 50 मीटर, और बिना हेलमेट के चला गया। पूरा दिन हेलमेट पहन के घूम रहा था, तो बस मेरे को पास जाना था, मैंने हेलमेट नहीं पहना, पुलिस मिल गई। यार मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं पता था आइडिया, मैं 50 मीटर ग्रॉसरी स्टोर के लिए जा रहा हूँ, नहीं मान रहे, 1000 रुपये का चलान है बिना हेलमेट का। मतलब हमारे यहाँ तो 500 का शायद से, पर 1000 रुपये का चलान है, और नहीं दोगे तो 500 रुपये घूस दे। तो मैं तो पूरा दे के आ रहा हूँ इस चक्कर में कि मैं गलत ना हूँ मैं, पर गोवा की पुलिस ख़राब है यार। मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ किसी से भी, क्योंकि घूस खाते हैं भाई ये, और छोटी सी गलती हो गई, मैं मान रहा हूँ अपनी गलती। तुम तो बताओ यार, तुम घूस क्यों मांग रहे हो फिर? तो ये याद रखना भाई, 10 मीटर भी बिना हेलमेट के मत निकलना, नहीं तो चलान देना पड़ेगा। चलान नहीं दोगे, ज़्यादा पैसे हैं तो तुम घूस दोगे, तो घूस देने से बढ़िया हेलमेट पहन लो। पुलिस यार मैं ना गोवा की नाइट लाइफ देखने रोमियो लेन आ गया हूँ, और ये नहीं, एक ही वीडियो में सब कुछ दिखा दूंगा तो आगे ले क्या छोड़ूंगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी चलान ने ना दिमाग ख़राब कर दिया, इसलिए वीडियो कर देना लाइक, और जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं।